सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और यह बिल्कुल फ्री है। वेलकम बैक टू माय चैनल, मैं सना खान। गाइस, आज मैं आपसे एक स्पेशल बात करूंगी। पहले बात कर चुकी हूं वैसे, लेकिन फिर भी आज मैं बहुत ज्यादा डर गई हूं यार। गाइस, बहुत ज्यादा डर गई हूं, इतना डर गई हूं बहुत ही ज्यादा। कल मैं मार्केट गई थी यार, कल मार्केट गई थी तो वहां पे लेडीज इतना ज्यादा एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हुई थी बहुत ही ज्यादा, क्योंकि यहाँ पे दिल्ली में क्या हुआ, पूरी मार्केट सब चीज बंद कर दी गई है और सारे छोटे मोटे जो मॉल्स थे, छोटी छोटी दुकानें थी, वो सब बंद कर दी गई है। और यहाँ पे लोग एक दूसरे के ऊपर इसलिए चढ़ रहे हैं, राशन की दुकान पे राशन नहीं मिल रहा है और वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। सब लोग सब्जियाँ भर कर रख रहे हैं, इतनी भीड़ है एक दूसरे के साथ मतलब खड़ा होना भी मुश्किल हो रहा है इतना ज़्यादा। मैं उल्टे पैर भागी वहाँ से, मार्केट से, क्योंकि वहाँ इतनी भीड़ थी कि पैर रखने की भी मार्केट में जगह नहीं थी। मंडी गई थी, मंडी लगती है हमारे घर के पास, जो वहाँ पे बहुत सारी सब्जियाँ मिलती हैं, फ्रेश डेली लगती है, लेकिन वहाँ आलू प्याज सब कुछ बहुत ज़्यादा महंगा था और दिन के हिसाब से बहुत महंगा था और मतलब इतना ज़्यादा लोग परेशान हो रहे थे, चिल्लम चिल्ली हो रही थी कि हाँ हमें ये जल्दी से दे दो, हम भर लेंगे। कोई 10 किलो आलू ले रहा है, कोई 15 किलो आलू ले रहा है, कोई 5 किलो प्याज ले रहा है, इतना ज़्यादा मतलब परेशान थे लोग सब्जी खरीदने में। फिर हम राशन वाले के यहाँ गए तो राशन वाले के यहाँ भी गाइस इतनी ज़्यादा भीड़, कोई राजमा ले रहा है, कोई छोले ले रहा है, कोई दाल ले रहा है, इतनी ज़्यादा बहुत ज़्यादा। और आज ये सुनने में आ रहा है कि लोग मतलब एक दूसरे के पास जाने से या फिर छूने से डर रहे हैं और गैदरिंग से तो बहुत ही ज़्यादा डर रहे हैं। आज पता है क्या हुआ, आज फ्राइडे है ना, तो हमारे यहाँ ये होता है फ्राइडे को नमाज होती है दोपहर की, मतलब होती तो डेली है लेकिन ज़्यादा तादाद में लोग मस्जिद में जमा होते हैं। तो मौलाना साहब ने ये ऐलान किया कि वज़ू जो है सब लोग अपने घर से बना कर आएँ और सैनिटाइज़र को मतलब एक आदमी बाहर खड़ा था, वो सबका जो भी नमाज पढ़ने आ रहे थे सैनिटाइज़र से उनके हाथ साफ़ करवा रहा था कि मतलब इस तरह से नहीं हो, सब लोग सैनिटाइज़र का यूज़ करें, एक मैसेज वो दे रहे थे। और मौलाना भी ये बता रहे थे कि जो भी साइंस बता रही है या फिर जो भी चीज़ें लोग बता रहे हैं, डॉक्टर्स बता रहे हैं, उस चीज़ को फॉलो करें और सब अपने हाथ बार बार धोएं, इसी चीज़ की हिदायत बार बार दी जा रही है हर किसी इंसान को। छोटे बच्चे के भी हाथ बार बार धुलवाएं या फिर सैनिटाइज़र से आप उसको सही से वॉश करें, मतलब सैनिटाइज़र लगा लें तो एकदम से साफ़ जाएंगे और जम्स फ्री हो जाएंगे हाथ हमारे। हमेशा हाथों को हमें इस तरीके से धोना है, ऐसे धोना है, ये वाली जो टिप्स होती है इसको यहाँ पे रब करना है, क्योंकि जम्स जो होते हैं वो यहाँ पे ज़्यादा होते हैं तो इसीलिए पहले इधर से और इधर से धोना है। मैं आपको, अगर आपको चाहिए तो सारे 7 स्टेप्स हैं हैंड वॉश करने के, मैं सब आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं मेरे से ये सब आप मालूम करें तो आपको मुझे कमेंट करके बताना होगा कि हाँ आप ये चीज़ हमें बता दीजिए कि हाँ 7 स्टेप कौन कौन से हैंड वॉश करने के होते हैं, तो मैं आपको वो बताऊंगी और आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, अगर जिन लोगों को चाहिए। अगर आप कहेंगे तभी मैं बताऊंगी, क्योंकि अपने आप से करना थोड़ा सा अजीब लगेगा कि देखो ये हाथ धोने बताने बैठ गई, तो ये सब चीजें हो जाती हैं गाइस। तो ये सब चीजें हमें करनी चाहिए, हर चीज का ध्यान रखना चाहिए सेहत का, हम सब मिलकर अपनी सेहत का ध्यान रखेंगे और ये इस बीमारी से ये होगा, इस बीमारी से बचने के लिए ये होगा कि मतलब सब लोग जब केयर करेंगे, सब लोग इन सब सारी बातों को मानेंगे तो ये सब चीज़ें तभी फॉलो हो पाएंगी और हम अपने आप को और इस बीमारी के पर रोक लगा सकते हैं। इस तरह से छोटी छोटी से ये सब चीज़ें करने से, सेफ्टी करने से, इन सब चीज़ों से हम इस बीमारी पर रोक लगा सकते हैं। तो इस सभी पूरी दिल्ली में यहाँ आसपास के गांव दराज के लोग भी बहुत ज़्यादा इस चीज़ से डर गए हैं और सच बताऊँ तो इस बार मुझे भी बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। पिछले 2 दिन से इतना नहीं लग रहा था, लेकिन जो मैंने मंडी का हश्र देखा वहाँ कल अपनी आँखों से, तो वो मतलब मैं बयान नहीं कर सकती। बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक मंज़र था वहाँ। मंज़र ख़तरनाक इसलिए था क्योंकि लोग इतनी ज़्यादा तादाद में वहाँ थे सब्ज़ी लेने के लिए, क्योंकि 31 मार्च तक सारी दिल्ली की जो हमारी छोटी मोटी मार्केट है वो सब बंद है, तो इसीलिए सब लोग का मतलब ये था कि सब ने
राशन अपने घरों में भर लिया है, सब्जियां भर ली हैं, ताकि आने वाले टाइम में उनको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। ये सब था मेरा आज का कहने का। और अगर जो मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कीजिए। तो अगर आपको मेरी वीडियोस थोड़ी सी भी चुन्नू सी बराबर की भी अच्छी लगती है तो उसको लाइक कीजिए और अपना प्यार मुझे ऐसे ही बनाते रहिए, अपना प्यार मेरे चैनल को देते रहिए। और मेरी फैमिली बहुत सारी, मुझे बड़ी वाली चाहिए फैमिली, तो वो फैमिली मुझे बनानी है अपनी यूट्यूब पे। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरी वीडियो को पूरा देखिए, लास्ट तक देखिए और जैसे भी आप कहोगे, जो भी कमी होगी इंशाल्लाह मैं उसको दूर करने की कोशिश करूँगी। और चलती हूँ अब, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, और दुआ में मुझे याद रखिएगा। चलिए ठीक है, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।